जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली। वो अयोध्या विवाद, राइट टू प्राइवेसी जैसे अहम मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। 2017 में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने ही पिता और देश में लंबे वक्त तक सीजेआई रहे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के एक बहुचर्चित फैसले को पलटा था। इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो उस समय काफी कुख्यात रहा था। एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार को निरस्त कर दिया था। 2017 में 9 जजों की जिस बेंच ने पुत्तास्वामी केस में उस फैसले को पलटा, उसका हिस्सा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी थे, यानी उन्होंने अपने पिता के ही दिए एक फैसले को पलटा। अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जिस दिन सीजेआई का पद संभाला है, उसी दिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक इंटरव्यू भी छपा है, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ये मेरा पाखंड होगा अगर मैं आपको ये नहीं बताता हूँ। निश्चित तौर पर जब आप जानते हैं कि फैसले को किसने लिखा था, तो इसमें बहुत हद तक पर्सनल एलिमेंट भी जुड़ा था। लेकिन पहले भी कह चुका हूँ कि आप इसे इसलिए पलटते हैं कि वो एक फैसला है, ये आपके काम का हिस्सा है, आपके संवैधानिक फर्ज का हिस्सा है। जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पदभार संभालने के बाद बधाई दी, उनके सफल कार्यकाल की कामना भी की। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। वो महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। 11 नवंबर 1959 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे, जिनका कार्यकाल 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहा था। अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई बने हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। We'll be right back.